बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल मेथड्स फॉर बीएससी एंड फॉर बीएस ऑनर स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 10 हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 10.2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6। डी क्यूब मनफी 2d² मनफी 3d प्लस 10 इंटू वाई इज इक्वल टू 40 कॉस एक्स। भाई करैक्टरिस्टिक इक्वेशन जहाँ जहाँ डी है वहाँ एम पुट करके इक्वल टू 0 पुट कर दें, तो एम क्यूब माइनस 2m² माइनस 3m प्लस 10 इक्वल टू 0। अब भाईजन यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन के कॉफिशंट्स 1 माइनस 2 माइनस 3 एंड 10। अब आपने इनका सम 0 नहीं है जी, इनका सम 0 नहीं है, तो फिर इसका डिवाइजर माइनस 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, माइनस 2 हो सकता है। माइनस 2 चेक किया जी, तो यहाँ पर 0 का हमेशा यहाँ पर 0। इनको जमा करें 1 आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 2 आएगा, माइनस 2 आएगा, इधर लिखें जमा करें माइनस 4 जी। भाई जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8, जमा करेंगे तो भैया क्या होगा 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 10, भैया 0 आ गया। इसका मतलब अगर एंड पे 0 आया, रिमाइंडर 0 आया, तो इसका मतलब ये ठीक है। तो m इज इक्वल टू क्या निकला है, माइनस 2 जी। भाई जब m इज इक्वल टू माइनस 2 तो इक्वेशन क्या बनेगी, डिप्रेस इक्वेशन m² माइनस 4m प्लस 5 इक्वल टू 0। भाई यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म लगाया मनफी बी प्लस माइनस बी स्केयर मनफी 4 इसके 2 है। भाई हल करने के बाद हमारे पास आ गया 2 प्लस माइनस वटा, तो एम इज इक्वल टू माइनस 2, 2 प्लस माइनस वटा जी। भाई ये रियल है, ये इमेजिनरी है, भाई ये रियल है और ये क्या है इमेजिनरी, तो भाई एम स्केयर माइनस 4m प्लस 5 इक्वल टू 0। भाई एम स्केयर माइनस 4m प्लस 5 इक्वल टू 0, देखो ना इसको 1 के साथ, इसको m के साथ, इसको एम स्केयर के साथ। अब भैया करैक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी प्लीज, भैया करैक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, जहाँ जहाँ डी है वहाँ एम पुट कर दो। अब भैया देखो जो 10 के डिवाइजर थे ना, 10 के डिवाइजर हैं 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 5 माइनस 5, 10 और माइनस 10 जी। अब इनमें से कोई एक यहाँ पे सूट करेगा जी, आपने 1 तो नहीं हो सकता, माइनस 1 चेक करेंगे, 2 चेक करेंगे, माइनस 2 चेक करेंगे, माइनस 2 पे 0 आ रहे हैं, तो ये करेक्ट होगा जी। अगर ये माइनस 2 आना था, फिर 5 पे चेक करते, माइनस 5 पे चेक करते, 10 पे चेक करते, माइनस 10 पे चेक करते, ये जो लास्ट रकम होती है ना इसके जो डिवाइजर्स होते हैं ना उनके ऊपर, तो इनका डिवाइजर 1 है, माइनस 1 है, 2 है, माइनस 2 है, 5 है, माइनस 5 है, 10 और माइनस 10 है। नाउ यहाँ पे एम स्केयर माइनस 4m एन प्लस 5 इक्वल 0। भाई क्वाड्रेटिक फॉर्म लगाएंगे तो मनफी बी प्लस माइनस बी स्केयर मनफी 4 इसके 2 है जी, तो भाई 2 प्लस माइनस वटा, तो एम इज इक्वल माइनस 2 एंड 2 प्लस माइनस है उठाएगा, भाई 2 प्लस माइनस है उठाएगा। नो वी हैव सी वन ई की पर माइनस 2x प्लस, ये रियल था, ये मैं ई की पर पी एक्स पी यहाँ पे 2 है, आगे सी 3 कॉज ऑफ एक्स प्लस सी 4 साइन ऑफ एक्स होता है ना, ई की पर पी एक्स ए कॉज क्यू एक्स प्लस बी साइन क्यू एक्स, तो पी का रोल यहाँ पे 2 करे, क्यू का रोल 1 प्ले करे। नो फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल भाई नीचे भेज दें और 40 कॉज ऑफ एक्स। अब भाई जनता देखें, आपको पता है डी स्केयर की जगह पे क्या पुट करोगे, भैया आएगा डी स्केयर माइनस आगे सोने 1 का स्केयर जी, तो भाई डी स्केयर की जगह पे माइनस 1 पुट करेंगे जी। तो आपने यहाँ पे क्या रखा भाई, यहाँ पे डी क्यूब था डी इंटू डी स्केयर, डी स्केयर की जगह पे माइनस 1, डी स्केयर की जगह पे माइनस 1, बाकी एज इट इज़ कैंसलेशन के बाद वी गेट दिस। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो वी हैव दिस डी माइनस 3 जी। भाई इसको रैशनलाइज कर दें, डी प्लस 3 से ज़रा और डी प्लस 3 से डिवाइड, नो अगेन डी स्केयर माइनस 9 बन जाएगा जी, फिर डी स्केयर की जगह पे माइनस 1 लगाएंगे तो ये माइनस 10 कैंसिल जी। अब ये बचेगा डी का मतलब है, इसको अंदर तरफ देखो तो डी का डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और 3 कॉस एक्स है, देयर फॉर सॉल्यूशन क्या होगा, वाई इज इक्वल वाई सी जमा वाई पी, भाई दोनों की वैल्यू रखोगे तो आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 7। डी स्केयर प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 4 साइन स्केयर एक्स। भाई डी स्केयर प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 4 साइन स्केयर एक्स। भाई जन करेक्टरिस्टिक कहीं का होगी एम स्केयर प्लस 4 इक्वल टू 0, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आटा, ये एम होगा पी प्लस माइनस एटा क्यू, एम होगा पी प्लस माइनस, तो पी 0 और क्यू 2 है, तो वाई सी क्या होगा सी 1 कॉज ऑफ 2x प्लस सी 2 साइन ऑफ 2x। भाई सी 1 कॉज ऑफ 2x प्लस सी 2 साइन ऑफ 2x, भाई क्यू का रोल यहाँ पे कौन प्ले करेगा 2, वाई पी का 1 ओवर डी स्केयर प्लस 4, आगे 4 साइन स्केयर एक्स, वी हैव नो फार्मूला फॉर साइन स्केयर, तो 2 बाहर निकालो 2 साइन स्केयर एक्स, 2 साइन स्केयर एक्स होगा 1 मनफी कॉस 2x, तो भाई जन 2 बाहर निकाल, इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, नो 1 की जगह पे यू पुट इक्वल 0x। अब भाई जन डी स्केयर की जगह पे आप क्या पुट करोगे, यहाँ पे डी स्केयर की जगह पे पुट करोगे माइनस आगे 2 का स्केयर जी, तो आएगा माइनस 4 जी।
बाई चांस डी स्क्वायर की जहाँ पे माइनस फोर पुट करोगे यहाँ पे जीरो को तो गायब हो जाएगा जी, ए भैया फेलियर कैसे, तो यहाँ पे एक्स लगा के डिफरेंशिएट टूट जाएगा। अब वन ओवर डी का मतलब है भैया इंटीग्रेशन, वन ओवर डी का मतलब है कॉस का इंटीग्रल साइन टू एक्स ओवर टू जी, भाई कॉस का इंटीग्रल का साइन टू एक्स ओवर टू जी, तो देर फॉर जनरल सॉल्यूशन का वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर जमा वाई पी, भाई देर फॉर जनरल सॉल्यूशन का वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर जमा वाई पी, दैट इज योर आंसर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डी क्यूब प्लस डी इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री साइन ऑफ एक्स, भाई करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा एम क्यू प्लस एम इक्वल टू जीरो, एम इज इक्वल टू जीरो एंड प्लस माइनस आई ऑटा जी, भाई ये रियल है ये इमेजिनरी, ये इसका आएगा सी वन इक्वल जीरो एक्स, आएगा सी टू कॉज ऑफ एक्स प्लस सी थ्री साइन ऑफ एक्स, भाई वो होगा ना पी प्लस माइनस आयोटा क्यू, तो एक ही बार पी एक्स आगे ए कॉज क्यू एक्स प्लस बी साइन क्यू एक्स, यहाँ पर पी जीरो क्यू वन है जी, तो आएगा यहाँ से आएगा सी टू कॉज ऑफ एक्स प्लस सी थ्री साइन ऑफ एक्स। अब भैया फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल वन ओवर डी क्यू प्लस डी आगे टू एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री साइन ऑफ एक्स, भाई अलग अलग शिफ्ट कर दो जी, भजन अलग अलग शिफ्ट कर दो जी, भजन देखें आपने डी क्यू प्लस डी टू एक्स के लादा डी क्यू प्लस डी भैया थ्री साइन एक्स लादा जी। अब सुनो देखें यहाँ पे लगना बाइनोमियल जी, भजन यहाँ पे लगना बाइनोमियल क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, तो आप क्या करो भैया डी स्क्वायर बाहर निकालो क्योंकि वन होना चाहिए ना, डी बाहर निकालोगे तो भैया वन प्लस डी स्क्वायर, इसको उठा के ऊपर ले जाओ वन प्लस डी स्क्वायर माइनस वन जी, बाइनोमियल लगा दो वन वन फिर डी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब सिर्फ डी स्क्वायर तक रखना, आगे आप निगलेक्ट कर दोगे। नाउ इसको अंदर तरफ दोगे एक्स स्क्वायर के, एक्स स्क्वायर वन के साथ तरफ है एक्स स्क्वायर जी, और भाई जान डी स्क्वायर मतलब इसको दो दफ़ा डिफरेंशिएट, एक दफ़ा डिफरेंशिएट करोगे टू आएगा, दूसरी दफ़ा टू एक्स आएगा दूसरी टू आएगा। नाउ वन ओवर डी का मतलब इंटीग्रेशन, वन ओवर डी का मतलब इंटीग्रेशन, भाई एक्स क्यूब है सी ये टू एक्स, इसको भैया सेट शूट कर लेंगे। नाउ वी हैव दिस पोर्शन, भाई डी स्क्वायर की जहाँ पे क्या डालोगे माइनस डी माइनस वन जी, भजन डी स्क्वायर की जहाँ पे क्या डालोगे आप देखें डी स्क्वायर की जगह पे माइनस आगे वन का स्क्वायर, तो भैया माइनस वन आएगा जी, सुनो डी स्क्वायर की जहाँ पे आपने क्या पुट करना माइनस वन, तो ये आएगा माइनस डी एंड प्लस डी जीरो, फिर केस यहाँ पे एक्स लगा के इसको डिफरेंशिएट कर दिया थ्री डी स्क्वायर प्लस वन, फिर डी स्क्वायर की जहाँ पे माइनस वन डालेंगे तो भैया आपके पास माइनस टू आएगा जी। अब भाई जन आप इसको दस बार सेट करें माइनस थ्री एक्स ओवर टू एंड साइन ऑफ एक्स, देयर फॉर जनरल सॉल्यूशन होगा वाई इज इक्वल वाई सी जमा वाई पी, भैया वाई सी इज अवेलेबल वाई पी इज अवेलेबल, वैल्यू पुट करें एंड सिंप्लीफाई जी। भाई जन सिर्फ आपको बताना चाहिए जब ये हो ना एक्स के पॉलिनोमियल एक्स, तो भैया बाइनोमियल थ्योरम लगेगा जी, क्या लगेगा जी बाइनोमियल थ्योरम, भैया डी स्क्वायर बाहर निकाल वन प्लस डी स्क्वायर जी। नो क्वेश्चन नंबर नाइन, वी हैव डी फोर प्लस डी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स साइन एक्स माइनस टू कॉस ऑफ एक्स, भाई करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी जी एम फोर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एम इज इक्वल टू जीरो जीरो एंड प्लस माइनस आयोटा जी, भाई ये दो सेम, ये दो क्या हैं सेम है, तो भाई क्या आगा सी वन प्लस सी टू एक्स इक्की पावर जीरो एक्स, या आगा सी थ्री कॉज ऑफ एक्स प्लस सी फोर साइन ऑफ एक्स, भाई सी थ्री कॉज ऑफ एक्स प्लस सी फोर साइन ऑफ एक्स। अब भैया वाई सी इज रेडी फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल वाई पी का वन और डी फोर प्लस डी स्क्वायर टू थ्री एक्स के लादा सिक्स साइन एक्स लादा और मनफी टू कॉज एक्स लादा, भजन इसके लिए लादा इसके लिए लादा इसके लिए लादा जी। नो यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगे क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना भाई, भाई यहाँ पे और यहाँ पे भैया वो डी स्क्वायर की जहाँ पे क्या डालेंगे जी माइनस वन का स्क्वायर जी, भैया यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर जी, माइनस वन माइनस लादा और वन का स्क्वायर लादा माइनस वन डालेंगे जी, भाई डी स्क्वायर की जहाँ पे माइनस वन डालेंगे जी जी, भजन डी स्क्वायर बाहर निकालिए और वन डी स्क्वायर का मतलब है वन ओवर डी स्क्वायर दो दफ़ा इंटीग्रेट, एक मतलब एक्स क्यूब बाय थ्री आएगा दूसरी तो एक्स फोर बाय फोर आएगा थ्री कैंसिल हो जाएगा। अब भैया वन प्लस डी स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे वन प्लस डी स्क्वायर पावर माइनस वन जी, बाइनोमियल लगाएंगे तो भैया वन मनफी डी स्क्वायर प्लस डी फोर जी होता ना वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन मनफी वन ओवर टू फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, नो वी हैव एक्स फोर, भैया इसको अंदर तरफ दो एक्स फोर वन को एक्स फोर के साथ तरफ दी, डी स्क्वायर का मतलब दो दफ़ा डिफरेंशिएट, एक दफ़ा आएगा डी स्क्वायर ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, दोबारा दो दफ़ा करोगे तो ट्वेंटी फोर आएगा जी। अब भाई जन ये आपका हो चुका जी, इसको सुनो सिंप्लीफाई कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ये आपका हो जाएगा एक्स फोर बाय फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर एंड प्लस सिक्स। नो भैया वी हैव दिस केस, भाई वन ओवर डी स्क्वायर का दो दफ़ा है साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस और माइनस कॉस का क्या जी साइन, भाई इसको दो दफ़ा इंटीग्रेट करोगे आएगा माइनस साइन ऑफ एक्स, भाई माइनस
साइन ऑफ एक्स टू बाहर निकाल लो। अब भैया डी स्केयर की जहाँ पे डालोगे माइनस वन, तो भाई डी स्केयर की जहाँ पे माइनस वन डालोगे ना भाई, बाई टेन डी स्केयर माइनस वन डालोगे तो भैया फेलर कैसे भी फेलर कैसे। अब इधर एक्स लगा के इसको डिफरेंशिएट, इधर एक्स लगा के इसको डिफरेंशिएट, वन ओवर डी का मतलब इसकी इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस और कॉस का इंटीग्रल साइन थी भाई, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस और कॉस का इंटीग्रल साइन थी। तो भाई आप देखें वाई पी किसके बराबर होगा, एक्स फोर ओवर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स प्लस टू एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स साइन ऑफ एक्स। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन का अगर वाई इज इक्वल वाई सी जमा वाई पी, भाई वाई सी इज अवेलेबल वाई पी इज अवेलेबल, प्लीज पुट हियर एंड गेट योर आंसर। भाई क्वेश्चन नंबर टेन, वी हैव डी स्केयर माइनस टू डी प्लस फोर इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। भाई फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लेफ्ट हैंड इक्वल टू जीरो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जहाँ जहाँ डी है वहाँ एम पुट कर दो, एम स्केयर माइनस टू एम प्लस फोर इक्वल टू जीरो। तो भाई क्या होगा जी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर मनफी फोर से टू है भाई, पुट करोगे तो एम होगा वन प्लस माइनस आयोटा अंडरूट सी भाई, वन प्लस माइनस आयोटा अंडरूट सी। भाई जन देखें ये आपका क्या है जी, इमेजिनरी पार्ट, ये पी का रोल यहाँ पे वन प्ले कर रहा है और क्यू का रोल अंडरूट सी जी भाई, वन प्लस माइनस आयोटा अंडरूट सी जी। जी वी हैव ई की पावर एक्स सी वन कॉस ऑफ अंडरूट सी एक्स प्लस सी टू साइन ऑफ अंडरूट सी एक्स। भैया फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल वाई पी इज इक्वल वन ओवर डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस फोर ई की पावर एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। भाई जन यहाँ पे फिर शिफ्ट थ्योरम लगाया था, ई की पावर एक्स पहले जहाँ जहाँ डी होगा डी प्लस वन लगाया भाई, वो था ना ई की पावर बी एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स, तो जहाँ जहाँ डी था डी प्लस वन कर दिया जी, क्योंकि यहाँ पे बी का रोल कौन प्ले कर रहे जी, वन और कॉस ऑफ एक्स पर है जी। इसको भैया स्केयर खोलें सिंप्लीफाई करें, वही है वन ओवर डी स्केयर प्लस सी। अब कॉस एक्स का मतलब भैया क्या है, यहाँ पर जहाँ जहाँ डी स्केयर होगा वहाँ वहाँ डी स्केयर की जहाँ पे यू पुट माइनस आगे वन का स्केयर तो वो माइनस वन आएगा, डी स्केयर की जहाँ पे माइनस वन डालिएगा तो आफ्टर कैंसलेशन वी गेट ई की पावर एक्स कॉस ऑफ एक्स ओवर टू। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन का वाई इज इक्वल वाई सी जमा वाई पी, भाई देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन का वाई इज इक्वल वाई सी जमा वाई पी। नाउ क्वेश्चन नंबर इलेवन, वी हैव डी क्यू माइनस डी स्केयर प्लस थ्री डी प्लस फाइव इंटू वाई इज इक्वल ई की पावर एक्स एंड साइन ऑफ टू एक्स। भाई फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लेफ्ट हैंड जीरो, करेक्टरिस्टिक इनका होगी एम क्यू माइनस एम स्क्र प्लस थ्री एम एंड प्लस फाइव इक्वल जीरो। भाई जन जहाँ जहाँ डी है वहाँ एम पुट करते हैं भाई, बाय सिंथेटिक डिवीजन वन माइनस वन थ्री और फाइव टू। भाई अगर इनका सम जीरो हो तो भाई क्या होता है जी, वन से होगा, अदरवाइज पाँच के डिवाइजर हैं वन माइनस वन फाइव एंड माइनस फाइव। भैया ये जो लास्ट रखा है ना इसके डिवाइजर के हैं वन माइनस वन फाइव और माइनस वन। अब माइनस वन रखा जी, यहाँ पे हमेशा जीरो, इन दोनों को जमा करेंगे जो आविदा लिखेंगे, वन को इस माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस वन इधर आ गया, जमा किया माइनस टू, भजन फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू आएगा, जमा करेंगे तो भैया दस पाँच आएगा, पाँच को माइनस वन से माइनस पाँच, जमा करेंगे जीरो, अगर एंड पे जीरो आए ये रिमाइंडर जीरो हो तो भैया ये एम की वैल्यू होगी जी, अगर जीरो ना आए तो फिर हमने फाइव को चांस देना था माइनस फाइव को चांस देना था वगैरह वगैरह। अब भैया ये डिप्रेसिंग इसको वन से इसको एम से इसको एम स्क्वायर सा एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस फाइव इक्वल जीरो। भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया मनफी बी प्लस माइनस बी स्क्वायर मनफी फोर इसके टू है तो एम ये निकलेगा माइनस वन आगे वन प्लस माइनस टू आयोटाच। भैया एम निकला माइनस वन आगे निकलेगा वन प्लस माइनस टू आयोटाच। भैया एम निकलेगा माइनस वन एंड वन प्लस माइनस टू आयोटाच। भैया दिस इज रियल एंड दिस इज इमेजिनरी। भाई दिस इज रियल एंड दिस इज इमेजिनरी। भैया रियल का दूला फार्मूला इमेजिनरी का लगा फार्मूला जी। जी वाई सी बराबर सी वन ई की पावर माइनस एक्स आगे ई की पावर एक्स आगे सी टू कॉज ऑफ टू एक्स प्लस सी थ्री साइन ऑफ थ्री एक्स साइन ऑफ टू एक्स। अब भैया फॉर पर्टिकुलर वन ओवर डी क्यू माइनस डी स्केयर प्लस थ्री डी प्लस फाइव ई की पावर एक्स इंटू साइन ऑफ टू एक्स। सो यहाँ पर शिफ्ट थ्योरम जहाँ जहाँ डी होगा वहाँ वहाँ डी प्लस वन कर देंगे, डी प्लस बी बी का रोल यहाँ पे वन है, ये ई एक्स लेफ्ट पे शिफ्ट कर देंगे, जहाँ जहाँ डी है वहाँ वहाँ डी प्लस वन, डी प्लस वन का क्यू डी प्लस वन का स्केयर डी प्लस वन एंड फाइव। भाई इसका क्यू खोला इसका स्केयर खोला इसको मल्टीप्लाई किया सिंप्लीफाई करने के बाद कटिंग करने के बाद वी गेट डी क्यू प्लस टू डी स्केयर प्लस फोर डी प्लस एट। भैया ये फारिग है जी, सुनिए ये क्या है फारिग है जी, भाई ये क्या है फारिग। तो भाई क्या करेंगे जी, ये फारिग हो गया जी,
सोने ये क्या कहा फारूक होगा, इसको छोड़ दें जी, ये एज इट इज आएगा। अब भाई जहाँ पे डी स्केल होगा वहाँ पे क्या डालोगे जी, डी स्केल की जगह पे डालोगे आप माइनस, आगे टू का स्केल वो माइनस फोर होगा जी। भाई पूरे सिस्टम है जहाँ जहाँ डी स्केल हो वहाँ वहाँ माइनस फोर लगाओ जी, तो डी के ऊपर डी इंटू डी स्केल लगा दो, ये फोर डी, ये भैया लगाया जी, तो आपका नीचे बन गया फेलियर केस, नीचे जीरो आ गया ना। जब फेलियर केस हो रहे तो भाई यहाँ पे एक्स लगा के इसको डिफ्रेंशिएट, भाई फेलियर केस आ जाते तो क्या मन नहीं आ जाएगी, यहाँ पे एक्स लगा के डिफ्रेंशिएट आएगा थ्री डी स्केल प्लस फोर डी एंड प्लस फोर एंड साइन ऑफ टू एक्स, फिर भैया डी स्केल के यहाँ पे माइनस फोर, वी गेट वन ओवर डी माइनस टू, वन ओवर डी माइनस टू, इसको रैशनलाइज करना है डी प्लस टू से मल्टीप्लाई डी प्लस टू से डिवाइड, भाई डी प्लस टू से डिवाइड और डी प्लस टू से मल्टीप्लाई जी, तो भैया ये डी स्केयर माइनस फोर बनेगा, ये बनेगा डी स्केयर माइनस फोर जी, तो भैया ये क्या होगा जी, ये फिर डी स्केयर के यहाँ पे माइनस फोर डालेंगे जी, तो भैया ऊपर ये बनेगा माइनस फोर, ठीक है जी, तो भैया ये माइनस फोर माइनस एट होगा, इसके साथ जरा दे दो, अब ये लादा कर दे भाई डी, इसका मतलब अंदर दो, डी का मतलब डेरिवेटिव, डी का मतलब डेरिवेटिव और वन ऑफ डी का मतलब इंटीग्रेशन, तो इसका क्या होगा टू कॉस टू एक्स और टू साइन टू एक्स, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, वाई पी तैयार होगा माइनस एक्स इक्की पावर एक्स ओवर सिक्सटीन जी इन टू का साइन ऑफ टू एक्स प्लस कॉस ऑफ टू एक्स, देर फॉर जनरल सोल्यूशन का होगा वाई इक्वल वाई सी जमा वाई पी, भाई दोनों को इकट्ठा कर दो ना यार, उसको सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट योर आंसर, भाई वाई सी इज अवेलेबल वाई पी इज अवेलेबल, प्लीज पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, डी क्यूब माइनस सेवन डी माइनस सिक्स इंटू वाई इज इक्वल टू इक्की पावर टू एक्स इंटू वन प्लस एक्स, भाई कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा जी, भाई आपने जहाँ जहाँ डी है वहाँ एम पुट किया, एम क्यूब माइनस सेवन है माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो भाई देखें अब इसके जोड़े नहीं बनते क्वाड्रेटिक फार्मूला, डी लगता क्यों क्यूब है ना, तो भैया सिंथेटिक नहीं, एम क्यूब का क्वेश्चन वन, एम स्क्वायर नहीं है जीरो, एम का क्वेश्चन माइनस सेवन और भैया लास्ट में माइनस सिक्स, भाई देखो एम क्यूब का क्वेश्चन एम स्क्वायर का एम का और कांस्टेंट, अब भजन इनका सम जीरो नहीं है जी, तो भैया माइनस सिक्स के जो डिवाइजर होंगे वो होंगे वन माइनस वन टू माइनस टू थ्री माइनस थ्री सिक्स और माइनस सिक्स, अब भैया वन तो नहीं है क्योंकि सम फिर माइनस वन को चेक करेंगे, भाई ज़ीरो हमेशा यहाँ पर इन दोनों को जमा करेंगे वन आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन, वो यहाँ पर लिखा जमा किया माइनस वन, इसको मल्टीप्लाई किया वन, जमा किया माइनस सिक्स, इसको मल्टीप्लाई सिक्स एंड पे ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो आ जाए, अगर ये ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब वी आर राइट, अगर ये ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब वी राइट, तो भैया वो मसावात क्या बनेगी, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस सिक्स इक्वल ज़ीरो, भाई इसके जोड़े बनेंगे तो थ्री और माइनस टू, एक एम निकला हुआ है माइनस वन, तीनों रियल्स हैं और डिस्टिंक्ट हैं, भैया तीनों रियल्स हैं और डिस्टिंक्ट हैं जी, भैया वी हैव माइनस वन माइनस टू एंड थ्री जी, तो क्या होगा वाई सी बराबर सी वन इक्की पर माइनस एक्स प्लस सी टू इक्वल माइनस टू एक्स प्लस सी थ्री इक्वल सी एक्स, अब भैया फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल इसको नीचे भेजें डी क्यू माइनस सेवन डी माइनस सिक्स, भैया ये इक्की पावर टू एक्स इंटू वन प्लस एक्स, भैया जहाँ जहाँ डी है वहाँ डी प्लस बी करो जी, बी करो यहाँ पे कौन प्ले करा टू, और इसको बोलते हैं शिफ्ट फिर इक्की पावर टू एक्स इधर, जहाँ जहाँ डी है डी प्लस टू, तो भाई अब ए जमा बी का क्यूब खोला जी, इसको सिंप्लीफाई किया तो वी हैव डी क्यूब प्लस सिक्स डी स्क्वायर प्लस ट्वेल्व डी प्लस एट माइनस सेवन डी एंड माइनस फोर्टीन माइनस सिक्स इंटू वन प्लस सिक्स, भाई जन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें जी, डी क्यू वाली इकट्ठी सिक्स डी स्क्वायर वाली इकट्ठी और डी वाली इकट्ठी और भैया माइनस ट्वेल्व, अब यहाँ पे पावर एक्स की वन रखें तो भाई हमें सिर्फ डी चाहिए जी, डी स्क्वायर डी फोर डी क्यूब सारे निगलेक्ट कर देंगे, तो निगलेक्टिंग डी स्क्वायर डी फोर क्यूब एंड सो ऑन एंड हायर पावर ऑफ डी, तो भाई यहाँ पे हमने कहा फाइव डी माइनस ट्वेल्व इंटू वन प्लस एक्स, भैया माइनस ट्वेल्व बाहर निकाल लें तो वन मंथी फाइव ओवर इलेवन डी और ट्वेल्व डी, इसको ऊपर ले जाएंगे होल पावर माइनस वन जी, अब भैया बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम वन प्लस एन एक्स, भाई हमें एक्स की पावर है तो सिर्फ डी तक अफोर्डेबल है, तो हम क्या करेंगे निगलेक्ट डी स्क्वायर डी क्यूब एंड हायर पावर, भाई निगलेक्ट कर देंगे ना डी स्क्वायर डी क्यूब एंड हायर पावर, नाउ वी हैव दिस, अब इसको अंदर मल्टीपल वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वन प्लस एक्स है और डी का मतलब डिफ्रेंशिएशन एक्स का वन हो जाएगा जी, तो फाइव ओवर ट्वेल्व भाई इकट्ठा कर दें ई की पावर माइनस टू एक्स ओवर ट्वेल्व इंटू एक्स प्लस का होगा सेवनटीन ओवर ट्वेल्व, जनरल सॉल्यूशन का होगा वाई इज इक्वल वाई सी जमा वाई पी, भाई जनरल सॉल्यूशन का होगा वाई इज इक्वल वाई सी जमा वाई पी, वाई सी इज अवेलेबल वाई पी इज अवेलेबल प्लीज पुट हर एंड गेट योर आंसर।